गुड मॉर्निंग, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी बना रही हूँ, तो उसके लिए लिए है मैंने बैंगन। और ये काले वाले बैंगन है, आपके पास जैसे भी बैंगन हो आप ले लें। और ये थोड़े से बड़े वाले बैंगन है, तो मैं इनको धो ली हूँ। धोने के बाद ये जो डंठल है उसको भी अलग कर दूँगी और बैंगन के गोल गोल लंबे लंबे से स्लाइस में कट कर दूंगी इस तरीके से। और आप देखिए, अंदर से हल्के से बीज काले लग रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बैंगन एकदम फ्रेश हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे बैंगन। और जो लंबे वाले बैंगन आते हैं वो भी ले सकते हैं। तो जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बहुत ही अलग है, शायद ही आप लोगों ने यूट्यूब पर देखी हो या फिर खाई हो। अगर ऐसा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने खाई है या नहीं। तो सारे बैंगन के स्लाइस मैंने कट कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं कट करना है और पानी में डाल के रख देना है जिससे काले नहीं होंगे। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। और जितने भी बैंगन के स्लाइस हमने कट किए थे उनको एक एक करके ऑयल में डीप फ्राई कर लेना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। और थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, वैसे तो आवाज़ आपको क्लियर आएगी, फिर भी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। और जो बैंगन है वो अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं, तो मैंने ले लिया है फ्रेश दही। और अब इसमें ऐड कर दूंगी मसाले। काला नमक मैं इसमें ऐड कर दी हूँ, ये है चाट मसाला, और ये पाउडर शुगर 2 चम्मच, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और वीडियो शूट करते समय ट्राइपॉड गिर गया था तो मुझे हाथ से वीडियो शूट करनी पड़ रही है, तो थोड़ी सी सेक हो रही है। और ये लहसुन और अदरक को मैंने अच्छे से कट कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। तो मैंने ले लिया है राई और थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है तड़के पैन में। और जो हमने लहसुन और अदरक को लिया है वो इसमें हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये वाली जो रेसिपी है वो सिर्फ 8 to 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। और बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब आता है। आप देखिएगा, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो बैंगन है उनको मैंने इस तरीके से जमा दिया है, और जो हमने दही तैयार किया था वो इसमें मैं डाल दूंगी, और जो हमने तड़का बनाया हुआ था लहसुन और अदरक का वो मैं इस तरीके से डाल दूंगी, और ऊपर से एक एक स्लाइस और डाल दूंगी। तो आप इस वाली रेसिपी को राइस के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, और आप वैसे भी चम्मच से खा सकते हैं। ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और जिसको बैंगन पसंद नहीं है उसके लिए तो ये वाली रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाय दोस्तों।